आपको ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सोशल मीडिया के ऊपर एक कांस्टेबल की वीडियो वायरल हुई हुई है जिसमें लोग कह रहे हैं इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। वो कांस्टेबल अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है और वर्दी की इंसल्ट हो रही है। एक्चुअली वजह यह है कि वो एक मेंटल डिरेंजमेंट डिसऑर्डर या बीमारी का शिकार है और उसका इलाज भी करवाया जा रहा है। वो पहले एबसेंट भी हुआ और इस वक्त राइट नाउ भी उसकी दिमागी हालत को ठीक करने के लिए और उसको सुकून देने के लिए और उसका मुकम्मल इलाज करने के लिए ताकि वो रिहेबिलिटेट हो सके हम ट्रीटमेंट शुरू कर चुके हैं। इस वजह से पुलिस वालों को बताना ये ज़रूरी है कि आपकी मेडिकल 2 लाख बंदों की 10 बीमारियों के खिलाफ स्क्रीनिंग और इलाज शुरू होकर कंप्लीट होने जा रहा है, लेकिन मेंटल स्क्रीनिंग या आपके साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग होनी ज़रूरी थी जिसमें से आप लोग डर रहे हैं। तो मेरे साथ डॉक्टर इनाम साहब मौजूद हैं, जुमे की वजह से इन्होंने वर्दी नहीं पहनी हुई। तो डॉक्टर साहब, ये साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग में किसी बंदे की कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उसे डिसमिस कर देंगे क्या? नहीं, ऐसे नहीं है सर। साइकोलॉजिकल असाइनमेंट हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि लोगों को हेल्प मिल सके। जो इस तरह के मामलात में हमें आइडेंटिफाई होते हैं लोग, उनको प्रॉपर काउंसलिंग की जा सके, उनके साथ रابطہ किया जा सके और अगर कोई उनको साइकेट्रिक इंटरवेंशन की ज़रूरत है तो वो दी जा सके। इसका मकसद कतई ये नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंचाया जाए या नौकरी से निकाला जाए। तो उसको आप सस्पेंड करके करेंगे, कैसे करेंगे? सर, उसको सिर्फ आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद उसको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएंगे, उसकी वहाँ पे काउंसलिंग होगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर साहब, मैं भी डॉक्टर हूँ सर, किंग एडवर्ड से आप भी हैं, कि हर बंदे को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की बात ज़रूरी नहीं कि दवाई दी जाए, हो सकता है वो इधर से इसका इशू रिजॉल्व हो जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही है सर। और उसको महकमे में कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं। और ये क्योंकि मेडिकल 10 बीमारियों के खिलाफ एक नस्बत लंबा प्रोसेस है, लिहाजा इसमें टाइम लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन इसमें कांस्टेबल से हमारा वादा है। और डॉक्टर साहब ऐसा ही है, बिल्कुल सर, हमारा कांस्टेबल से वादा है कि हम इंशाल्लाह ताला आपको खुदा ना खासा डिसमिस करने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि इस तरह की वीडियो आपसे ना बन जाए और उससे पहले ही अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो तो उसको इंटरवेंशन की जाए, इसलिए कर रहे हैं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं और पंजाब के अवाम को बता रहे हैं कि उस कांस्टेबल का हम इलाज करवा रहे हैं, बिकॉज वी आर अ रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन। अल्लाह